हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? आई होप सब लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज ये फ्राइडे का व्लॉग है। आज मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं और मेरा झाड़ू पोछा पूजा वगैरह ये सब हो गया है। इसके अलावा अभी और कुछ काम नहीं किया है क्योंकि हस्बैंड घर पे ही हैं और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों के लिए सुबह थोड़ा सा पनीर रखा था, एक दिन बनाया था तो बचा हुआ था, तो वही बस सादा पनीर बना के दे दिया था बच्चों को। और इनका तो अभी ऑपरेशन हुआ है तो इनको तो ऐसे ऑयली खाना मसालेदार देना नहीं है, तो फिर इनके लिए अभी मैं कुछ नाश्ता बनाऊंगी। अभी तो बस वही बच्चे जाने के बाद मैं झाड़ू पोछा किया था, बेडशीट चेंज करी थी, आप देख सकते हैं अभी गद्दे पर मैंने बेडशीट डाली भी नहीं है। और पीछे मशीन के ऊपर काफ़ी कपड़े रखे हैं तो मुझे आज मशीन भी लगानी है। बस अभी थोड़ा सा हेयर कॉम कर लेती हूँ, उसके बाद इनको भी नाश्ता दूंगी। मैं कंघी कर रही थी तो फिर नारियल वाले की आवाज़ आ रही थी तो फिर मैं नारियल लेने चली गई। मैंने कहा इनके लिए ले लेती हूँ, फिर 100 रुपए के 3 मिल गए। वैसे तो एक दे रहा था 40 का, बट मैंने 100 के 3 लगवा लिए, तो वही बस नारियल पानी के लिए पूछ रही थी इनको कि अभी पीना है तो दे दूँ। और ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने इनको नारियल पानी दे दिया। उसके बाद में ना ये मशीन में कपड़े ऊपर रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो मशीन लगा देती हूँ, इसमें कपड़े धुलते रहेंगे, उसके बाद फिर किचन में लग जाती हूँ। तो अभी तो इनको नारियल पानी दे दिया इसलिए नाश्ता थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, तो मैं अपनी मशीन लगा लेती हूँ। निरमा ख़त्म हो गया था तो फिर बस ये मैं निरमा का बॉक्स उठा लाई हूँ, उसमें निरमा भी भर दूँगी और इसमें मशीन में भी डाल दूँगी। तो वही है कि कपड़े ना काफ़ी हो रहे थे, मैंने कहा अगर मैं संडे को मशीन लगाऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी लगा लेती हूँ। और मैं थोड़ा ना जल्दी जल्दी भी कर रही हूँ, मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को कि मैं जल्दी जल्दी क्यों कर रही हूँ। उधर किचन में मैंने कुछ चढ़ा भी रखा है तो बीच में वो भी देखने चली गई। दूध रखा था मैंने किचन में तो वो गर्म हो गया है तो उसको एक साइड रख दिया मैंने। और ये ना थोड़े से बर्तन थे, सुबह चाय वगैरह बनाई थी और बच्चों के लिए मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो ये कढ़ाई हो गई, तो बस वही मैं धो रही हूँ और वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। तो बस ये बर्तन धोने के बाद में फिर इनके लिए पोहा बनाऊँगी और रोटी वगैरह, मतलब रोटी बनाई थी बच्चों को तो आटा बच गया था, उठा के रख दिया है क्योंकि अभी फिर बनानी है। तो बस यही इतने जो सब्ज़ी और चाय के बर्तन थे वो वॉश कर लेती हूँ। ये बन गया मेरा पोहा नाश्ते में और ये बन रही है चाय। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे मैं बहुत जल्दी जल्दी आज काम करने में लगी हूँ, तो जल्दी काम इसलिए कर रही हूँ कि आज हमारे यहाँ ना कोई आने वाला है, तो इस वजह से उठी तो अपने टाइम से ही थी, बच्चों को भेज दिया और झाड़ू पोछा घर के जो भी काम है हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने ना अभी मशीन लगा रखी है क्योंकि मैंने 2-3 दिन से मशीन नहीं लगाई थी तो काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो फिर अभी मशीन लगा दिए और इधर कपड़े धुलते रहेंगे, उधर मैं किचन में खाना वगैरह बनाऊंगी। और नाश्ता वगैरह मेरा बन चुका है, चाय भी मैंने 2 बार पी ली है, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं 2 बार चाय पीती हूँ तो मेरी चाय भी 2 बार हो गई है। और आज मैंने हेयर भी वॉश किए हैं, मेरे हेयर अभी ड्राई हो चुके हैं। और बस अब मैं करूँगी खाने की तैयारी क्योंकि मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, तो फिर अभी बनाऊंगी मैं सादा खाना ही बनाऊंगी क्योंकि वो लोग लहसुन प्याज का कुछ भी नहीं खाते हैं, तो फिर मैं बस लहसुन प्याज के बिना जो खाना बनता है वही खाना बनाऊंगी, कुछ स्पेशल नहीं, जो डेली घर में बनता है वही बनाऊंगी। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहे, देखिए कौन आने वाला है हमारे यहाँ। अब आ गई हूँ मैं किचन में, तो खाने की तैयारी कर लेती हूँ, उन लोगों के आने से पहले खाना बना के रख दूंगी, बस रोटी रोटी रह जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक कुकर निकाला है, इसमें चढ़ाऊंगी मैं दाल। तो अब दाल देखती हूँ कौन सी बनानी है मुझे, और जो भी दाल बनाऊंगी मसाले वगैरह सब अभी ऐड करूंगी क्योंकि लहसुन प्याज तो कुछ पड़ेगा नहीं। इसमें मैंने दाल चढ़ा दी है, तुअर दाल होती है ना वो चढ़ा दी है मैंने, और बिना लहसुन प्याज के बनाना है तो फिर इसमें टमाटर वगैरह मैं अभी ऐड कर दूंगी, बाद में केवल हींग जीरे से फ्राई कर दूंगी। नए आलू में ना बहुत मिट्टी रहती है, खिसकिस खिसकिस होते रहते हैं, तो फिर इनको ना धुल के रख दूंगी तभी काटूंगी, ऐसे मिट्टी वाले आलू ना मैं काट नहीं सकती हूँ इनको क्योंकि मेरे ना फिर दांतों में किरकिर किरकिर होता है, पता नहीं। दाल चढ़ा दी, आलू धो के रख दिए हैं, अब थोड़ी देर बाद काटूंगी। और ये किचन में ना मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी तो मैंने कहा चलो अभी इधर बेडशीट बिछा देती हूँ,
तो बस आप देख सकते हैं वही बेडशीट बिछा रही हूँ मैं यहाँ पे, ये पर्दे भी सही कर देती हूँ। सुबह सुबह इधर धूप आती है ना इस रूम में, इसलिए खोल दिया था। अभी बस यहाँ पे पर्दे लगा देती हूँ और चलती हूँ अब किचन में फटाफट। ये आलू और छील लेती हूँ, तो फिर आलू की बनाऊंगी भुजिया। और दाल तो इधर चढ़ाई थी है, दाल लगभग हो गई है। हाँ आंटी बोलो, क्या कह रही थी तू, कौन आ गया, भगाओ कुत्ता आ गया। तो भुजिया बनाना है तो आलू को ऐसा ना पतला पतला काटेंगे और बस केवल तेल में ही इनको फ्राई कर देंगे। दाल चावल के साथ में ना आलू की भुजिया बहुत अच्छी लगती है, तो हमेशा मैं दाल चावल जब भी बनाती हूँ तो आलू की भुजिया जरूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना खाली दाल चावल तो किसी को पसंद ही नहीं है, उसके साथ में कोई ना कोई सब्जी जरूर होनी चाहिए। तो यही सब्जी सही लगती है भुजिया, तो फिर बस ऐसे ही आलू काट के और फ्राई कर देते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ मसाला वगैरह भी नहीं पड़ता है, बस नमक हल्दी डाल दो और हरी मिर्च डाल दो। कि अभी मैं बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसी बनती है। बिल्कुल एक एक आलू अलग हो जाता है और बहुत अच्छी लगती है, और दाल के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे आप बना के खाओगे ना ऐसे तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। आलू काट लिए मैंने, आप लोग देख सकते हैं ऐसे लंबे लंबे आलू काटे मैंने, और इनको अब अच्छी तरह से धुलूंगी मैं। अच्छी तरह से दो तीन पानी में धो लिए इनको, क्योंकि आजकल ना नए आलू आ रहे हैं तो इनमें मिट्टी बहुत हो जाती है। कल शाम को बनाई थी दिब्बू के लिए पूड़ी, तो ये कढ़ाई ना पूड़ी की ही रखी है, तो बस इसी में आलू की सब्जी बना लूंगी मैं। ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना कढ़ाई पहले से ही कढ़ाई में ऑयल हो रहा है। और मेरा लाइटर आ गया, ये रहा। जीरा डाल के आलू फ्राई कर दिए हैं मैंने। आलू बन चुकी है भुजिया मेरी, आप लोग देख सकते हैं ये भुजिया बस बन गई है, दाल भी बन गई है। दाल भुजिया बना के रख दी है, आटा भी लगा के रख दिया है, और किचन का सारा काम हो गया। अब आके मैं धूप में बैठ गई हूँ। यहाँ देख सकते हैं मेरे पूरे बिल्डिंग के लोग सब यहीं बैठते हैं, मेरे फर्स्ट फ्लोर के पास ही। ये देखो मेरे पौधे रखे हैं वहीं पर जीने के पास में ही हम सब बैठते हैं। ननद भी आ गई मेरी, चाय वगैरह पी चुकी, और आप देख सकते हैं ये नंदोई बैठे हैं फोल्डिंग पे चाय पी रहे हैं। और ये इधर दिव्या ना शर्मा रही थी, वीडियो वगैरह नहीं बनवाती है ये, तो वही सब देख रहे थे। और ये ननद देखिए लाई हैं कोई रिशु दिव्यांशु के लिए टोपे वगैरह, तो वही मुझे निकाल के दे रही हैं, मेरे लिए भी सॉक्स लाई थी, तो बस वही बैठे हैं बात बात कर रहे हैं। अभी 12 बजे हुए हैं और ये लोग चाय पी लें, उसके बाद बस थोड़ी देर बाद रोटी वगैरह सेकूंगी तो खाना खिला दूंगी, क्योंकि मैं सोच रही थी ये लोग थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो कुछ नाश्ता बनाऊंगी, बट अब इन लोगों को 12 बज गया है तो अब चाय पीने के बाद में खाना वगैरह ही खिलाऊंगी, नाश्ता नहीं बनाऊँगी। और ये देखो मेरे लिए भी सॉक्स ले कर आई हैं, मिठाई वगैरह जो भी था सब निकाल निकाल के दे रही हैं। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और आप देख सकते हैं आटा मैंने पहले से लगा के रखा था, गैस भी बिल्कुल साफ़ पड़ी थी। अब बस फटाफट रोटियाँ बनाऊँगी और इन लोगों को खाना खिलाऊँगी। और उधर ये सामने बैठे हुए हैं सब लोग रूम में, तो मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली बात ये हो रही थी यहाँ पे कि वो जो मेरी छोटी सी भतीजी है ना ननद के साथ में जो आई है, वो मेरे देवर की लड़की है, अभी ननद के पास ही रहती है, तो वो कह रही है ताई पागल हो गई हैं, ताई सब कुछ वीडियो में डालती हैं, ताऊ बीमार हैं वो भी डाल दिया है, कोई ऐसे वीडियो डालता है, ऐसे बोल रही थी, बताओ छोटी सी ऐसे बोल रही थी। तो बस वही हम भी बोल रहे थे कि सब पागल ही बताते हैं, क्योंकि जब तक इंसान ना कुछ अचीव ना कर ले तब तक उसको सब पागल ही कहते हैं। वो तो खैर बच्चा है, लेकिन बड़े भी बोलते हैं सब कि ये क्या है, ये क्या करती हो, क्या वीडियो डालती हो, तो ऐसे ही बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे फ्रेंड्स, लेकिन हमें जो करना है हम करते हैं। और वही है, जब तक कुछ मुकाम हासिल नहीं हो जाएगा जब तक तो लोग हमें पागल ही बोलेंगे। थोड़ी सी रोटियां सेक ली हैं मैंने, और ये ना थाली लगा देती हूँ, फिर बाद में गरम गरम सेकती जाऊँगी और इन लोगों को देती जाऊँगी। बच्चे आएंगे 2:30 बजे तक, तो फिर बच्चों के लिए बाद में सेक दूँगी। और ये ना थोड़े से चावल भी बनाए थे, तो चावल मैंने अभी बीच में बनाए हैं, क्योंकि फिर सुबह बनाती तो ठंडे हो जाते। 2:30 बज गए हैं और ये देखिए बच्चे आ चुके हैं, 2:30 से ज़्यादा ही हो रहा है टाइम, और आज मैं लेने नहीं जा पाई हूँ, तो ये दोनों अपने आप ही आ गए हैं। और ये देखो रिशु अपने फूफा जी के पैर छू रहे हैं, दिव्यांशु ने पहले ही छू लिए थे अंदर आया था, और ये इनकी बुआ हैं तो बुआ के पैर छू रहे हैं।
तो बस दिव्यांशु तो पता नहीं क्या लेके आया है स्कूल से और वही खाने के लिए बैठ गया है। हाँ, समोसे लेके आया है ये तो। ये ना सुबह 20 रुपए लेके गया था, तो वही देखिए कपड़े भी चेंज नहीं किए और बस सीधा खाने बैठ गया है। ये देखिए 7 ऑर्ड्स वाली सीनरी लगा दी है मैंने अपने घर में, जो मेरी सिस्टर ने भेजी थी। ये देखिए, ये दिव्या है, क्यूब सीख रही है भाई से। भाग कहाँ रही हो? इसको अच्छा नहीं लगता है वीडियो वगैरह बनाना, इसलिए भाग रही है ये। और ये देख सकते हैं, ये बच्चा पार्टी मूंगफली खा रहे हैं। सारे लोग बैठे देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं। दिव्यांशु से बहुत पटती है इसकी दिव्या जी। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं ये मैंने दही जमाया है, पूरा उड़ा के रखा हुआ है। और ये इधर बर्तन वगैरह सब वॉश कर दिए हैं, बस ये थोड़े से ग्लास पड़े हुए हैं क्योंकि अभी सबको दूध दिया था। सोने की भी तैयारी हो गई, ये छोटे वाले रूम में देख सकते हैं नीचे बिस्तर लगा रखे हैं, और एक ये फोल्डिंग है ही इधर, तो ज़्यादा स्पेस नहीं है तो नीचे बिस्तर करने पड़ते हैं। और इधर आप देख सकते हैं अभी 9:30 बज रहे हैं और ये बच्चे देखिए कंबल में घुस गए हैं, और ये इधर टीवी देख रहे हैं ये लोग। तो ये दोनों लोग जाएंगे उधर उस वाले रूम में, बाकी हम सब सोएंगे इस रूम में। और ये हमारे बिस्तर लगे हुए हैं, यहाँ पे हम नंद और भाभी सोएंगे और बच्चे ऊपर सोएंगे। और आपको टाइम दिख रहा होगा 9:30 बज रहे हैं अभी, तो बस अब हम लोग सोएंगे, टीवी देखेंगे, 10 बजे सोएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। बाय बाय, गुड नाइट।